जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में जो है ना 9000 से ज्यादा पोस्ट पे फॉर्म निकाला गया था और इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया गया और बोला गया कि 1 जुलाई से लेकर, देखिए 1/7 से लेकर बोला गया था कि 1/7 से लेकर 12/7 तक इसका एग्जाम होगा। क्या होगा कि 12/7 तक इसका एग्जाम होगा, लेकिन एडमिट कार्ड जो है ना किसी का 25 को आया, किसी को 27 को आया, किसी को 29 को बोला गया था आने के लिए, लेकिन 25-27 वाले को आ गया। क्या हुआ कि 25 का जिसका आने वाला था ना उसका आ गया, 25/6 को जिसका एडमिट कार्ड आ गया, फिर क्या है कि जिसका 27 को भी जिसका एडमिट कार्ड आ रहा था ना उसका भी 27/6 वाले का भी एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन 29/6 को अचानक से क्या है ना कि 29/6 को क्या किया गया ना कि सीआरपीएफ के वेबसाइट से जो लोगों का भी एडमिट कार्ड आया था ना वो एडमिट कार्ड हटा दिया गया। तो काफी सभी लोग परेशान हो गए कि क्या ना कि हम लोगों का एडमिट कार्ड जो है ना वो सीआरपीएफ के वेबसाइट से हट चुका है, हमारा एक एग्जाम 1 जुलाई को है, 2 जुलाई को है, 3 जुलाई को है, हम एग्जाम देने जाएं कि नहीं जाएं। तो इसी के बारे में हम वीडियो बताएंगे कि क्यों एडमिट कार्ड हटा दिया गया था, इसका मुख्य रीजन क्या है, और जो पोस्ट फीमेल का जो कैंसिल किया गया है उन लोगों को अब क्या करना चाहिए और एग्जाम देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों क्या है ना कि सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी को रिवाइज कर दिया गया, ये जो रिवाइज हुआ था ना इसी के कारण जो है ना सभी लोगों का एडमिट कार्ड इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया था। देखिए वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट को रिवाइज किया गया है, सभी पोस्ट को रिवाइज नहीं किया गया है। इसमें सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 नंबर में है कॉन्स्टेबल कॉबलर मेल का जो पोस्ट है ना वो जो वैकेंसी निकाला गया था तो 151 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे आप फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है ना तो आप वहां पे देखते हैं कि वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले को या रिक्रूटमेंट मतलब वाले को ये पूरी ऑर्डर है। तो यहाँ पे 151 को अब क्या कर दिया गया, यहाँ पे 59 कर दिया गया है, यानी कि अगर आप देखिएगा तो सीधे सीधे लगभग 90 पोस्ट इसमें से माइनस कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम इस डेट को मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे हम फिर बात करें तो कॉन्स्टेबल वाशरमैन, यानी कि वाशरमैन का होता है धोबी का काम, यानी कि कपड़ा प्रेस करना, कपड़ा धोना, तो ये 403 पोस्ट वैकेंसी था जब वैकेंसी निकाला गया था मतलब एडवर्टाइजमेंट के अनुसार। अब इसको घटा के 214 पोस्ट पे यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 200 पोस्ट भी इसमें से माइनस कर दिया गया है। कॉन्स्टेबल बार्बर जो मेल थे, यानी कि बार्बर का मतलब होता है नाई का काम, इसमें 303 पोस्ट पे वैकेंसी था, अब इसको घटा के 202 पोस्ट आप यहाँ पे देखिएगा तो 202 पोस्ट इसमें से जो है ना माइनस कर दिया गया, बचा है केवल 100 पोस्ट ही बच गया है। अब यहाँ पे 4 नंबर में देखिएगा तो कॉन्स्टेबल वाशरमैन फीमेल, ये जो है ना वाशरमैन यानी कि जो फीमेल का वैकेंसी था मतलब जब आया था एडवर्टाइजमेंट तो उसके अकॉर्डिंग 3 वैकेंसी रखा गया था, लेकिन अब क्या किया गया है कि 0 वैकेंसी कर दिया गया, यानी कि एक भी वैकेंसी नहीं है, इस पोस्ट को खारिज कर दिया गया, इस पोस्ट को हटा दिया गया है। और कॉन्स्टेबल सफाई वाला जो है ना सफाई कर्मचारी फीमेल का, इसमें भी 13 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था लेकिन इस पोस्ट को भी खारिज करके अब यहाँ पे इसमें भी 0 वैकेंसी कर दिया गया है। ये सब जो हुआ है ना ये लगभग 29 तारीख को, यानी कि 29/6 को ये किया गया है, 29/6 को ये किया गया था, इसीलिए सभी लोगों का एडमिट कार्ड जो है ना इसके रिक्रूटमेंट पोर्टल से हटा दिया गया था और लोग काफी कंफ्यूजन में थे एग्जाम को लेकर। लेकिन देखिए जब ये नोटिफिकेशन आया तो देखिए 30 तारीख 6 महीना को क्या है ना कि सब लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है फाइनली। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। 30/6 को आप लोग एडमिट कार्ड जारी की मतलब जारी हो गया और 1 से लेकर 12/7 तक जो है ना इसका एग्जाम चलने वाले हैं, यानी कि 1 जुलाई से 12 जुलाई तक इसका एग्जाम चलेंगे। आप लोग जाइए, आपका जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आप जाइए और एग्जाम दीजिए। देखिए जो कांस्टेबल वाशरमैन फीमेल लोग हैं ना वो भी लोग एग्जाम देने जाएं और कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल हैं जो लोग फॉर्म भरी हैं वो लोग भी एग्जाम देने जाएं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया ना तो उसमें बोला गया कि आप लोगों जाके एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के बाद अगर आपको क्या है ना कि 25 तारीख, देखिए 25 तारीख 7वां महीना को क्या है ना कि आपका फिर से रिक्रूटमेंट पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो लोग कांस्टेबल वाशरमैन फीमेल में और कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल में फॉर्म अप्लाई किए थे उन लोगों को पोस्ट बदलने, यानी कि वो लोग अपना पोस्ट बदल के कुक में, वाटर कैरियर में, ये सब पोस्ट में वो लोग सिलेक्ट कर सकती हैं
जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, आप लोग 100 रुपये लगाकर फॉर्म भरी है, या अगर पैसा नहीं भी लगा है तो वो आपके कैटेगरी और आपके रिजर्वेशन के अनुसार नहीं लगा होगा। तो जो लोगों को लगा होगा उनका तो पैसा बर्बाद होगा नहीं, तो उन लोगों को मौका मिलेगा कब, 25/7 को, याद रहे आपको 25/7 से याद करके आपको पोस्ट बदल लेना है। और एग्जाम अगर आपका एडमिट कार्ड आता है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने जाना है क्या करने, तो एडमिट कार्ड की जो है ना, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले लेना है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले लेना है, और 1 ID प्रूफ ले लेना है ओरिजिनल, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, 2 फोटो ले लेना है आपको एग्जाम देने के लिए, 2 फोटो ले लेना है। और ये चीज आपको लेकर ही एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, और 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के डेट में आप 12/7 तक जब भी आपका एग्जाम है आप जाइए और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम दीजिए। पोस्ट चेंज हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, पहले 151 था अगर कोबलर में, अब 59 भी हो गया, फिर भी है ना, अगर आप तैयारी किए हैं, मन से पढ़ाई किए हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज के इस वीडियो में जो CRPF के नोटिफिकेशन द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया था, इस इंस्ट्रक्शन को मैंने समझाने का कोशिश किया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद।